प्रभु के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज ही मिशनरी में हम ध्यान देंगे विलियम गुडेल के बारे में। जन्म 14 फरवरी 1712, मृत्यु फरवरी 1897, मूल स्थान टेम्पलटन मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका, दर्शन कॉन्स्टेंटिनोपल और बेरूत। आइए विस्तृत में इनके मिशनरी जीवन के बारे में हम ध्यान देते हैं। क्रूस का मार्ग दुख का मार्ग है, इसे एक मिशनरी के जीवन में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ तक कि युद्ध, महामारी, आपदा, उत्पीड़न, बीमारी, परिवार के सदस्यों की हानि, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार स्थानांतरण, शत्रुतापूर्ण विदेशी संस्कृति आदि जैसी परिस्थितियां भी उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। मैं आपका हूँ, मुझे भेजो जहाँ आपकी इच्छा हो, मुझे मसीही साहस के साथ मजबूत करें और प्रसन्नता पूर्वक मैं आपके उद्धार की घोषणा करने के लिए पृथ्वी के छोर तक जाऊंगा। आपको मेरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपकी सेवा करने का सौभाग्य के लिए निवेदन करता हूँ। ये विलियम गुडेल की प्रार्थनाएं थी, जो कभी भी दुखों के बीच भी परमेश्वर की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटे। गुडेल अमेरिकन बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स फॉर फॉरेन मिशंस की ओर से जनवरी 1823 में अपनी पत्नी हैविगेल और अन्य मिशनरियों के साथ माल्टा पहुँचे। वहाँ वे कई पूर्वी भाषाओं का अध्ययन करते रहे। नवंबर तक वे बेरूत चले गए और उन्होंने अरब, तुर्क, यहूदी, यूनानी, मैरोनाइट, फ्रैक्स इत्यादि के बीच सेवा की, इसलिए विभिन्न भाषाओं का अभ्यास करना उनकी दिनचर्या बन गई। कैथोलिक चर्च के लगातार विरोध, युद्धों और विपत्तियों के बीच उन्होंने 1828 तक यहाँ सेवा की। बेरूत इस प्रकार सीरिया में मिशनरी अभियान का मुख्यालय बन गया। माल्टा लौटने के बाद गुडेल ने सन 1830 तक नया नियम का आर्मोनियो तुर्की में अनुवाद किया। सन 1831 में उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल में एक मिशन शुरू करने के लिए नियुक्त किया गया था। विपत्तियों, महामारी, युद्धों, यूनानियों और कैथोलिकों के विरोध और उत्पीड़न ने उनका पीछा किया। एक बार आग लगकर उनका पूरा संपत्ति को जला दिया गया। सन 1841 में उनके बेटे की टाइफाइड से मृत्यु हो गई। उसी साल गुडेल ने पूरी बाइबल का आर्मो तुर्की में अनुवाद करना पूरा किया और सन 1863 तक इसके संशोधन पर काम किया। उनके समय के दौरान तुर्की ने प्रोटेस्ट सुधार सेविकाई का अनुभव किया। उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुडेल तुर्की साम्राज्य में फलदायी सेविकाई के 40 साल पूरे करने के बाद सन 1865 में अमेरिका वापस चले गए और अपनी अंतिम सांस तक प्रभु की सेवा करते रहे। प्रिय, क्या आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सेवा करने का सौभाग्य चाहते हैं? हे प्रभु, मैं आपका हूँ, मुझे जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ भेज दो। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।